वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथों में दिखाई देता है कि चमड़ी निकलता है। चमड़ी निकलने की वजह से हाथों को देखने में अच्छा नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा खराब दिखता है। ऐसे में आप अपने हाथों से अगर चमड़ी निकल रहा है तो चमड़ी निकालना गिरना कैसे बंद कर सकते हो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जिस पेड़ की पत्ता को पूरी तरह से पीस के उसकी रस अगर आपने अपने हाथों में लगा दिया तो आपके हाथों से चमड़ी गिरना बंद हो जाएगा। चमड़ी निकलता है, खराब दिखता है, तो ये सब जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगी और एक अच्छा हाथ आपको दिखना चालू हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको। मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये जो पत्ता दिख रहा है आपको, ये ध्यान से देखिएगा। ये जो पत्ता है इसमें कुछ इस तरह का लत रहता है, ये देखो इस तरह का। ये क्या, ये जो पेड़ है ये दूसरे पेड़ में पूरी तरह से लपेट के जो है रहता है और उस पेड़ की जो इस तरह ये पूरी पेड़ ऐसा पूरा निकाल के आपको ले लेना है। पूरा निकाल के लेने के बाद इसको क्या करना है, आपको पीसना है, अच्छे से पीस के इससे रस निकालना है। रस निकाल के अपनी हाथों में लगा देना है। आप इसकी जो रस है अगर आप अपने हाथों में लगाओगे तो आपकी हाथ में से जो चमड़ी गिरना वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पेड़ को आप अच्छे से देख लीजिए। इस तरह से पेड़ रहता है। इस पेड़ को जो है हमारी तरफ रिफ्यूजी का लत बोलते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। आप की तरफ इस पेड़ को क्या बोलते हैं अगर आपको पता रहेगा तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। इस तरह से पेड़ है और ऐसे लंबा रहता है, देखिए इस तरह से रहेगा और उसका पत्ता कुछ इस तरह से दिखता है ऐसा। ये पेड़ की पत्ते को इस लत के साथ ही जो है आपको उसको पूरी तरह से पीस लेना है। पीस के इसके रस जो है आपकी हाथों में लगाना है। पेड़ के रस को अगर आपने अपने हाथों में 8 से 10 दिन लगाया तो आपके हाथों से चमड़ी गिरना बंद हो जाएगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।